रहमतुल्लाहि व वरक मैस नाजरीन एक सवाल आया किसी की जानिब से कि मय्यत को कंधा देते वक्त क्या पढ़ना चाहिए जवाब इसका यह है कि कुछ नहीं पढ़ना चाहिए मैयत को कंधा देना अच्छी बात है मय्यत के पीछे पीछे चलना अच्छी बात है जनाजे में शरीक होना बहुत अच्छी बात है कफन दफन में शरीक होना बहुत अच्छी बात है जनाजे की नमाज में आप शरीक हैं तदफीर में आप शरीक हैं आपको दो कीरात यानी दो उहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा लेकिन मैयत को ले जाया जा रहा है रास्ते में है कंधा देने की बारी है मैयत को कंधा दिया है बंदे ने अब रास्ते में कुछ पड़ता जा रहा है बाज लोग ला अला मोहम्मद बाज लोग कुछ और पढ़ते हैं बाज लोग कुछ और पढ़ते हैं जबकि इन तमाम चीज़ों की कि कुछ पढ़ा जाए ऐसी कोई चीज़ मशरू नहीं है ना प्यारे नबी अलैहि वम से साबित है ना सहाबा एक से साबित है ना ही कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि नबी सल्ला वसम के ज़माने में किसी का इंताल हुआ हो या सहाबा के ज़माने में किसी का इंतकाल हुआ हो और उसका जनाजा ले जाया गया हो कब्रस्तान की जानब और जना ले जाते वक्त कंधा देते वक्त साहब कराम ने कुछ पढ़ा हो कुछ अजकार का विरद किया हो कुछ मसनून दुआएं पढ़ी हो ऐसी किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है लिहाजा खुलासे कलाम ये निकला कि मैय को कंधा देते वक्त हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए हाँ अपनी तरफ से इबरत व नसीहत के लिए आखिरत से अल्लाह की पनाह मांगने के लिए कि अल्लाह हमें अजाब से बचा ले इस मैत को अजाब से बचा ले या आप अपनी तरफ़ से कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन उसको मशरू समझ कर मसनून समझ कर साबित समझ कर कुरान हदीस का हिस्सा समझ करके पढ़ना और बाकायदा उसकी तरगीब देना या लोगों को बताना कि ऐसा ऐसा पढ़ना चाहिए ऐसा करना चाहिए जैसा कि हमारे बाद भाइयों के यहाँ है तो ये सब करना विदात है ऐसे अमल से इस्तेनाब करना चाहिए वल्लाहु आलम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हुसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाकल्लाहु खैरन